वेलकम टू अवर चैनल आई क्यू गाइडर। आप देख रहे हैं आई क्यू गाइडर पे। इस पे हम बायोलॉजी की 1100 क्वेश्चंस की एक सीरीज कर रहे हैं। इसका आज पार्ट फोर्थ है, जिसमें आज हम 200 क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये मिनिमम से मिनिमम टाइम में इसे हम कंप्लीट कर पाएँ, ताकि आप बहुत सारी नॉलेज बहुत सारे कम टाइम में लेके जा पाएँ। ठीक है, तो इससे करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम ऐसी बहुत सारी सीरीज़ आपके लिए ला पाएँ। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि आईक्यू गाइडर ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम आपके लिए पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, अगर आप हमसे डिमांड करते हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन टू स्टोर फैट इन स्मॉल टैबलेट्स। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, हम छोटी चीज़ जो फैट्स को स्मॉल टैबलेट्स में स्टोर कर लेते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स should be a part of our diet because they increase the peristalsis. क्या increase कर देते हैं, वो peristalsis को increase कर देते हैं। फाइबर डाइट इंक्लूड द सेलुलोज। फाइबर से क्या होता है, हमारा सेलुलोज इंक्लूड हो जाता है। नाइट्रोजीनियस डाइट में क्या होता है, प्रोटीन इंक्लूड हो जाता है। प्रोटीन में हमारे नाइट्रोजीनियस डाइट होती है। अगर हम नाइट्रोजीनियस डाइट ले रहे हैं तो हम प्रोटीन की डाइट ले रहे हैं। ठीक है, ए सब्सिस्टेंस यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर इज फेवर। ठीक है, जो यूज़ इसके लिए किया जाता है, यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक हुई है, आई थिंक ये होना चाहिए एस्प्रिन। एस्प्रिन शुड बी आंसर। सलाइवा, आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। सलाइवा फ्रॉम द माउथ इज डाइजेस्टेड बाय द स्टार्च। सलाइवा जो माउथ से निकलता है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। विटामिन ई इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर होम By normal function of the sex glands, vitamin E की importance जो है वो हमारे लिए है। Vitamin B6 deficiency cause the male anemia. Vitamin B6 की कमी से क्या हो जाता है, males में anemia की problem हो जाती है। Apart from the carbohydrate, there is a major source of energy in their diet. Carbohydrate के अलावा इसमें major source of energy किसका रहता है, fat का रहता है। Bank किटिस इज अ डिजीज ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। किसकी डिजीज है ये, रेस्पिरेटरी ट्रैक की। एन एग्जाम्पल ऑफ पैप्सिन इज, पैप्सिन का एक एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम है। विटामिन इज नॉट फाउंड इन मिल्क, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन सी। प्लाज्मोडियम ये कैसा पैरासाइट है, मलेरिया का पैरासाइट है। एक्सक्रेटेड इन ह्यूमन यूरिन, क्या एक्सक्रेट हो जाता है, विटामिन सी। द पीएच वैल्यू ऑफ रूट एसिडिक इज 6, जो एसिडिक रूट्स की वैल्यू होती है वो 6 होती है। स्मॉलेस्ट क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सेल हमारी स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट तो वो है सेल। द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, नर्वस सिस्टम। द क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। क्रिएटिव एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। विद इन द सेल इज द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। हु हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स। हु हेल्प्स इन डाइजेशन, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। द मोस्ट नोन सोर्स ऑफ द एडिबल प्रोटीन आर सोयाबीन एंड पीनट्स। सबसे ज़्यादा एडिबल प्रोटीन कौन सा है, सोयाबीन और पीनट्स। ठीक है, आगे बढ़ें। टू वॉट एरिया ऑफ द टंग ऑफ मैन इज कन्फाइनमेंट ऑफ सोर लिमिटेड टू बैक। जो हमारा कौन सा टंग का जहाँ पर कड़वा लगता है वो बैक एरिया है। ठीक है, टंग का। द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द बायो कंपाउंड बाय हूज यूज इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन इज एंजाइम्स। ठीक है, फर्मेंटेशन एंजाइम्स, बायो कंपाउंड से फर्मेंटेशन होता है। स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी की डिजीज किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की। इन विच सब्सिस्टेंट डू प्रोटीन्स टर्न इन टू डाइजेशन। किसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो डाइजेशन, कौन सा सब्सिडेंट प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, हुज अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स ऑयल्स इज वेरी हाई, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ड्राइंग्स ऑयल्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। विच डिजीज कैन बी कॉज बाय द इनसफिशिएंट आयोडीन इन द डाइट। गोइटर कौन सी डिजीज हो जाती है, गोइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द प्रिजर्वेटिव ऑफ द फूड आइटम, सोडियम क्लोराइड। कौन सा, सोडियम क्लोराइड। लैक्टोज इज फाउंड इन मिल्क, मिल्क में लैक्टोज पाई जाती है। इटाई डिजीज हो जाती है किसकी वजह से, कैडमियम मेटल की वजह से।
विच प्रोटीन शुगर पेयर्स इन मिल्क कैजिन और लैक्टोज? कैजिन और लैक्टोज। द मैक्सिमम परमिसेबल कंसेंट्रेशन ऑफ द टोटल हार्डनेस इन द ड्रिंकिंग वाटर इज 200। परमिसेबल कितनी है? 200। फिश इज ए फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फिश फर्स्ट क्लास बिकॉज इट कंटेन्स असेंशियल अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड, असेंशियल अमीनो एसिड को कंटेन करता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द आयरन डिफिशियंसी? एनेमिया हो जाता है भाई। व्हाट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स? अपोजेमी। विच विटामिन इज वेरी वेरेबल एंड ईजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कुकिंग एंड स्टोरेज? विटामिन सी। आयोडीन टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट जो होता है वो किस चीज को? आयोडीन टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट जो होता है वो किसके प्रेजेंस को चेक करता है? कार्बोहाइड्रेट की। एनिमल प्रोटीन इज कंसिडर ए फर्स्ट क्लास प्रोटीन बिकॉज इट इज इसमें असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इफ फ्लोरिन इज फाउंड इन एक्सेस इन वाटर व्हाट कैन बी प्रॉब्लम? तो हमारा क्या होता है? फ्लोराइसिस की बीमारी हो जाती है, मतलब दांतों में। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द वाइट पार्टिकल्स ऑफ द ब्लड? टू ट्रीट इन्फेक्शन। ठीक है, मैंने बताया अभी था, ये आपके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं, उनसे लड़ाई करती हैं, उनके रिएक्शन में प्रोड्यूस होती हैं। हाउ मच एनर्जी इज इन द स्वेटिक्स विच यूज बाय द डायबिटीज पेशेंट्स? तो 5 कैलोरीज इसमें आपकी एनर्जी होती है। विच हार्मोन कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल? इंसुलिन। वॉट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन ह्यूमन बॉडी? 65%। द डिजीज इन विच द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज इन नेम? डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस डिजीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, तो इसे डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स अवर वर्ल्स आर ओपेंड एंड क्लोज डेली? 1 लाख टाइम्स। बोन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो फॉस्फोरस हमारे पास इस बोन्स में होता है, इस वजह से फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। हु डिस्कवर विटामिन? फंक ने डिस्कवर किया। ए जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ DNA इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इस जेनीज। ठीक है, एक जीनोम में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ DNA इट्स जेनीज इंक्लूडिंग इस जेनीज। जीनोम क्या होता है? उसमें DNA होता है और जेनीज होते हैं। ठीक है, ये बताना चाह रहा है। वैक्सीन डेवलप बाय द एडवर्ड जेनर के द्वारा। वैक्सीन किससे रिलेटेड? चिकन पॉक्स से। पेरिया कहाँ का डिजीज है? गम्स का। फूड लास्ट इन द स्टमक कितने घंटे में खाना पच जाता है? 3 घंटे में। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पस? 120 दिन है। लाइसोसोम्स कितने हैं? 16 बैग्स। इसे लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुसाइड बैग्स, ये गलत हो गया, सॉरी, सुसाइड बैग्स। द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द हाइपोथैलेमस। क्या बोला जाता है इसे? हाइपोथैलेमस। थायरोक्सिन डिफिशियंसी डिजीज इज गोइटर। थायरोक्सिन डिजीज इससे क्या होती है? गोइटर। वेयर डिड द फर्स्ट सेल ओरिजिनेटेड? सबसे पहला सेल कहाँ ओरिजिनेट हुआ? कावा वाटर में। द पावर प्लांट ऑफ द सोल इज माइट्रोकॉन्ड्रिया। हु डिस्कवर द लाइसोसोम? डी डूबे। क्या है? डी डूबे। द लॉन्गेस्ट सेल इन द क्रेचर इज द नर्व सेल। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? नर्व सेल। एडल्ट रेड ब्लड सेल्स आर नॉट फाउंड इन न्यूक्लियस। एडल्ट रेड सेल्स कहाँ नहीं मिलता है? न्यूक्लियस में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा सॉरी, ये गलत, ये बोला है रेड सेल। कौन सी चीज़ होती है जो रेड सेल्स में नहीं होती? न्यूक्लियस नहीं होता रेड सेल में। तो ये पॉइंट आपको इस तरीके से इसमें गलत लिख दिया है। स्मॉलेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल रेड सेल होते हैं। सेल्स ऑफ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन, एलिमेंट्री कैनाल सेल्स सबसे कम टाइम के लिए होते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द साइटोप्लाज्मा इज 1%। ठीक है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज 20। कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लिवर। द मेन इन्ग्रीडियंट ऑफ द फूड आर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी रेट इन ह्यूमन्स इज 120 to 118 times per minute। द स्कॉर्पियन हैज रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैनुअल पेल्यूरिसी। स्कॉर्पियन में क्या होता है? मैनुअल पेल्यूरिसी। इन्फेंट हैज अ रेस्पिरेटरी रेट एट बर्थ 35 times per minute।
रेस्पिरेटरी रेट विल बी लोएस्ट कब होता है, जब हम बेड टाइम मतलब सो रहे होते हैं। प्रोसीजर टू चेक द पल्स ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड द ECG। ब्लड इज एल्कलाइन। स्फैग्मोमैनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर। लैक ऑफ एंटीबॉडीज में क्या होता है, ब्लड क्लास AB। किस में एंटीबॉडीज नहीं होती, ब्लड AB में नहीं होती। वाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए। ग्लूकोज रिलीज विद यूरिन इज ए साइन ऑफ डायबिटीज। द वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज 1400 grams। एल्बो जॉइंट इज कोर जॉइंट। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स इन एयर। द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर। हाउ मेनी बोन्स ऑफ ह्यूमन स्पाइन इज मेड ऑफ 33 बोन्स की स्पाइन बनी होती है। द हार्मोन डेट कंट्रोल द BMR इज इन द ब्रेस्ट इज थायरोक्सिन। फीमेल ग्रोथ हार्मोन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल ग्रोथ हार्मोन है। टीयर ग्लैंड इज एक्टिव इन ह्यूमन बॉडी 4 months आफ्टर द बर्थ। जो टीयर ग्लैंड होते हैं वो 4 महीने के बाद, पैदा होने के 4 महीने के बाद एक्टिव होते हैं, ठीक है। द डिजीज कॉज बाई दी ट्राइपाइनोसोमा। स्लिपनेस हो जाती है इसकी वजह से। ट्राइपाइनोसोमा जो फ्लाई होती है इसकी वजह से क्या होता है, स्लिपनेसनेस की बीमारी हो जाती है। एबीज एनिमल है, किस क्लास का, आउल क्लास का है। एनिलिडा एनिमल है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का। द स्पेशलनेस ऑफ फिश इज स्पेशल। 2 cells हार्ट होते हैं, जो फिश में 2 cells हार्ट होते हैं। देर इज कुछ फिश में 3 cells हार्ट भी होते हैं, मतलब 3 chambers हार्ट बेसिकली जिन्हें बोलते हैं। देर इज अ वैसिन फॉर द टेटनस DPT, जो टेटनस के लिए हमारी होती है वो DPT। हाउ मेनी बोन्स आर देयर एट द बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न, अबाउट 300। कितनी होती हैं, 300। क्लोरोक्विन इज अ एंटीबॉडी ड्रग। द ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन किसके लिए यूज होता है, मलेरिया के लिए। विच टिश्यू इज मेड ऑफ द कैमल हम्प, ये होता है सेबेशियस टिश्यू बने होते हैं। द मेन एक्सक्रीटरी सब्सिस्टेंस इन द फॉर्मूला ऑफ मेमल्स इज अ यूरिया। क्या होता है, यूरिया। द मास्टर बॉडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर जो ग्लैंड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। द इन्फेक्शन ऑफ द एग्स इन द ह्यूमंस इज कॉल्ड इन द फेलोपियन ट्यूब्स। जो इंजेक्शन ऑफ एग्स होता है वो कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अमाउंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज 70-80%। मैग्नीज इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू हेल्प द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन प्रॉपरली। मैग्नीज एक एसेंशियल एलिमेंट है, किस चीज़ को, ऑर्गन्स, प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन कराने के लिए, ठीक है। द फेटल डिजीज कॉज बाई द अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इज कैंसर। ये फेटल डिजीज है। अच्छा, फेटल डिजीज का मतलब क्या होता है, ऐसे डिजीज जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है, तो उसे कहते हैं हम फेटल डिजीज। ओके, आपको क्या करना है, पहले अगर आपने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत सारी नॉलेज आप इससे गेन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं सीरीज में। फ्लोरीन इज ए मिनरल दैट हेल्प्स इन इनेमल टीथ। फ्लोरीन एक ऐसा मिनरल है जो हेल्प करता है इनेमल टीथ को स्ट्रांग होने में। विटामिन डी इज डिफिशेंसी, इससे डिजीज होती है ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। टुंडू डिजीज इज फाउंड इन द वीट। टुंडू डिजीज कहाँ पाई जाती है, वीट में पाई जाती है। नंबर ऑफ स्वीट ग्लैंड्स 2.5 मिलियंस। माइट्रोकॉन्ड्रिया हैव द हाइएस्ट नंबर। माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होते सबसे ज़्यादा, ब्रेन में। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनल, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनल। द स्टडी ऑफ हेयर सेज ट्राइकोलॉजी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्किन। द रीजन फॉर द स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी इज ऑक्सलेट्स। द लार्जेस्ट सेल इन द सेल इज द गैलेक्टिक, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट जो सेल में होता है वो गैलेक्टिक होता है। द सेल्स में सबसे बड़ा लार्जेस्ट होता है गैलेक्टिक सेल, सॉरी। विच प्लांट इन ए गुड लाइट मिक्सर इज शुगर केन। लाइट मिक्सर कौन सा होता है, शुगर केन।
द टच ऑफ द लीफ ऑफ द मिमोसा प्लांट इज द स्पीड ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग इज ट्रिमर. उस स्पीड को क्या बोलते हैं? ट्रिमर. द प्लांट फ्रॉम हुज लीव ए न्यू प्लांट इज बोर्न स्टोन रॉक से बोलते हैं. उस प्लांट को क्या बोलते हैं? स्टोन रॉक. द डिस्कवरी ऑफ मलेरिया डिजीज इज एट्रीब्यूटेड टू सर रोनाल्ड रोज. मलेरिया के डिजीज की डिस्कवरी किसके द्वारा? सर रोनाल्ड रोज. ठीक है. द लेंस इज इन द ह्यूमन आई इज अफोट्रोफिक. ठीक है. रोडिया एक्टिव सब्सिस्टेंस इज यूज टू डिटेक्ट द ब्रेन ट्यूमर्स. ये होता है रेडियो आयोडीन. द अंडरग्राउंड फॉर्म ऑफ द राइजोम प्लांट इज स्टेम. द बैक्टीरियम फाउंड इन द रूट ऑफ द पल्स इज राइजोबियम. ठीक है. वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर हैंडल इन द प्लांट्स बाय द जाइलम. फूड मेड इन द प्लांट्स रिच वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द फाइलम. ठीक है. फूड किसके द्वारा जाता है? फाइलम के द्वारा. और मिनरल्स और पानी किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा. द इंस्ट्रूमेंट बाई विच द ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेम इज मेजर्ड इज द एग्नोमीटर. इंस्ट्रूमेंट मतलब जो कि ग्रोथ रेट को, स्टेम की ग्रोथ रेट को पता करता है, वो है एग्नोमीटर. हाउ मेनी कनेक्टेड नर्व्स कम आउट ऑफ द स्पिनल कॉर्ड इज. कनेक्टेड नर्व्स कितनी है स्पिनल कॉर्ड में? वो है 31. लॉन्गेस्ट वॉर्म इज बॉटलनेक वॉर्म. लॉन्गेस्ट वॉर्म कौन सा है? बॉटलनेक वॉर्म. ठीक है. ड्राइंग मशीन एंड बटर एक्सट्रैक्टिंग मशीन वर्क किस पे करती है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द ब्रांच रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी इज. साइकोलॉजी से रिलेटेड जो ब्रांच है वो है फ्रेनोलॉजी. कौन सी? फ्रेनोलॉजी. द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स इज फ्लावर. स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज पोमोलॉजी. स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज एंथ्रोलॉजी. सोलेबल विटामिन इन द वॉटर इज बी एंड सी. विटामिन सोलेबल इन फैट ए डी ई एंड के. सुक्रोज कंटेन द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. फॉर इमीडिएट एनर्जी द प्लेयर इज गिवन कार्बोहाइड्रेट. सबसे ज़्यादा एकदम इमीडिएट एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट. डिजीज ऑफ द क्वाशकर एंड मैरमस डिजीज इज लैक ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की कमी से ऐसा हो जाता है. द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर इज सेलुलोज. आगे बढ़ेंगे. द फर्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी इज यूरिया. प्रोटीन डाइजेस्टिव प्रोटीन ऑफ द मिल्क इज रेनिन. द प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई द लैक्टोमीटर. मिल्क इज सोर ड्यू टू द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया की वजह से मिल्क सोर हो जाता है. व्हाट इज पेनिसिलिन? एंटीबायोटिक है. प्रोटीन इज फाउंड इन द एग्स. प्रोटीन किस एग्स में पाया जाता है? इन द ब्राइट सेक्शन. ब्राइट सेक्शन में, ठीक है, मतलब जो वाइट वाला पार्ट होता है उसमें ही प्रोटीन पाया जाता है. पेन रिलीविंग ड्रग्स कॉल्ड दी एनल्गेसिका. ठीक है. एनल्गेसिक्स. कोबाल्ट फाउंड किया जाता है आपका विटामिन B12 में. साइनोकोबलामाइन इसका नेम होता है. सार्स एक वायरल डिजीज है. सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. ये 2010 में ये बीमारी आई थी. ये कोरोना से, कोरोना बेसिकली इसका एक एडवांस फॉर्म है. और ये भी चाइना से ही ओरिजिन हुई थी. द बिगेस्ट ब्रेस्ट इज ब्लू वेल. ठीक है. सेंटर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक लोकेट इज इन हैदराबाद. DNA फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोस्टिक लोक कहाँ पर है? हैदराबाद में है. घी कंटेन फैट्स. घी में कितना फैट होता है? 99%. जो इंस्ट्रूमेंट मिल्क का मेजर करता है लैक्टोमीटर. फैट को मेजर करता है मिल्क से. ठीक है. लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रिच. स्किन कलर इज कॉज्ड बाय द मेलानिन. ठीक है. पोटैटो आइज इज यूजफुल फॉर द बॉडी इनलार्जमेंट. बॉडी इनलार्जमेंट के लिए. विंस विजिबल इन द एड्रेस वर्क ऑफ कंडक्शन. रीड शुगर कैन प्लांट्स आर ऑफन द कॉज ऑफ कल्टिवेशन थ्रू द वेजिटेटिव एम्प्लीफिकेशन. दे डोंट प्रोड्यूस अ सीड. शुगर कैन जो होता है वो कल्टिवेशन थ्रू द वेजिटेशन एम्प्लीफिकेशन. उनका खुद का एम्प्लीफिकेशन होता है क्योंकि उनके सीड्स नहीं होते. जाइलम टिश्यूज इन द प्लांट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिस्टेंस? वाटर. जाइलम क्या सब्सिस्टेंस को कंडक्ट करता है? वाटर को. स्टेम्स आर यूजुअली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो स्टेम्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? लीव्स में.
पॉपी इज अ प्लांट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राई रबर एल्कली, इसे कहते हैं लेटेक्स. पॉपी कहाँ से मिलता है? लेटेक्स है. द एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई द प्लांट इन द लार्ज अमाउंट इज नाइट्रोजन. वेजिटेशन इज इफेक्टिव इन देयर एब्जॉर्प्शन. वेजिटेशन किस में होता है? पॉल्यूटेंट गैसेस में. वेजिटेशन इज इफेक्टिव इन देयर एब्जॉर्प्शन पॉल्यूटेंट गैसेस. अगर पॉल्यूशन है और उस हिसाब से अगर हमारा फॉरेस्ट डेवलप है तो हम पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को नहीं फेस करेंगे. बाई हुम कैन द एज ऑफ ए ट्री बी असर्टेन? बाई काउंटिंग द एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग को गिनकर हम उसकी एज को पता कर सकते हैं. बाई हुम इज द एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाई द प्लांट्स टेकन आउट? ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. प्लांट्स विल्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस ट्रांसपिरेशन. जो प्लांट जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं एक्सेस ट्रांसपिरेशन की वजह से. वाटर कल्चर इज अ मैथड ऑफ प्लांट ट्रैक्शन इज सॉइल. इज ए मैथड ऑफ प्लांट ट्रैक्शन सॉइल. ठीक है, वाटर कल्चर मतलब के उसमें सॉइल का यूज नहीं होता, सिर्फ वाटर के थ्रू ही वाटर कल्चर से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. हु हैड रिटेंशन ऑफ द टिश्यू कल्चर? हैबर लैंड. हैबर लैंड रिटेंशन ऑफ टिश्यू कल्चर हैबर लैंड. द वॉल्यूम ऑफ द सेल इंक्रीज इज वेन प्लेस इन इट्स सराउंडिंग सोल्यूशन. ठीक है, सराउंडिंग सोल्यूशन. यूट्रस विच मेक्स द स्किन इज डर्मोटोजेंस. यूट्रस जो है वो स्किन किसका? डर्मोटोजन. किसका बना होता है? डर्मोटोजेन का. इन विच आर द डम्बल सेल शेप्ड सेल. वीट में ऐसा डम्बल शेप सेल होता है. सिंगल शशि मक्षी इनफ्लोरेसेंस इन इज पापरा. पापरा में शशि मक्षी इनफ्लोरेसेंस देखा जाता है. पेरेनाकाइमाटोसिया सेल्स डेट स्टोर सेलुलर एबायोटिक मटेरियल इज एन आइडियोब्लास्ट. क्या है ये? आइडियोब्लास्ट. हुज कन्वर्जन इज कॉज इन द कैक्टस लीव्स में होता है. हाउ मैनी सर्विकल प्लेसेंटा सेल्स. कितने सर्विकल प्लेसेंटा सेल्स हैं? एक है. सेल डेट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एंड कंप्राइज गेट सेल्स इज हेल्पर सेल्स. ठीक है. फॉर होम इज इट नेसेसरी टू चेंज द स्टार्च शुगर. फॉर होम इट इज नेसेसरी टू चेंज द स्टार्च शुगर इज रंधारी द्वार. वॉट आर द कोरल रूट्स ऑफ साइकस? वाटर एब्जॉर्प्शन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. ये साइकस के रूट क्या काम करते हैं? भाई वाटर फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं. वॉट आर द बेस्ट सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन? ब्लैक स्लग सॉइल्स. यूनिवर्सल ब्लड डोनर आर प्यूपिल विद द ब्लड ओ. ब्लड कैंसर कॉमनली होता है लिकेमिया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कॉमनली यूज इन द माउथ वॉशिस? हाइड्रोजन पराक्साइड. SARS, a new form of the pneumonia, started which of the following country? China. Which of the following weeds have been found useful to prevent the pollution? Parthenium and elephanta grass. तो बहुत important question है. Lax are made from the insect. What is the chemical name of vinegar? Acetic acid. Which acid are stored in batteries? Sulfuric acid. Which of the following are the insectivorous plant? Is Drosera. Which United Nations Conference has been named Earth Summit 1992? United Nations Conference on Environment and Development. जो कि अर्थ समित जो 1992 में हुई थी, इसी को अर्थ समित का नाम दिया जाता है. Spraying of the adult sulfon on cashew. इससे क्या होता है? माँ विवादा लेवल तक हम पॉल्यूशन को रोक रिजल्टेड होता है केरला में. मतलब इस एंडोसल्फन के स्प्रे से कैशू में इससे बहुत बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. कहाँ पर? केरला में. हुज स्टिक इज हिज बफेलो. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये किसने बताया? डार्विन ने. व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्युबल मटेरियल ऑन द सॉलिड वेस्ट इज कन्फर्मेशन. ठीक है. Which source was particularly useful in detecting rare anti-tumor agents such as the bryo stains and doll stain? The marine psoriasis. Who proposed the 5 kg classification? 5 classification. R.H. Whitaker. How many carbon footprints be reduced by recycling waste material, by using energy efficient devices, by reducing by public transport?
तो इस तरीके से हम कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हैं। हु इज़ एसोसिएटेड विद द फेमस चिपको आंदोलन ट्री? विच साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द फर्स्ट टू हैव एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स ऑफ द सोलर न्यूक्लियर रेडिएशन स्किन? ठीक है, क्या है एक्सट्रीम साइड ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन? स्किन है। विच कैंसर आर कॉज ड्यू टू द रेडियो एक्टिव स्ट्रैप्टिमम 90? स्किन कैंसर, इसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है स्ट्रैप्टिमम 90 की वजह से। व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू विच द एक्सेस लाइट एनर्जी इज डिस्पर्स इन फोटोसिंथेसिस? क्वेंचिंग। फोटोमैग्नेटिक एलिमेंट विच इज कंट्रोल बाय द ऑक्सीजन? फोटोमैग्नेटिक मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? ऑक्सीजन। द टॉक्सिसिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी ट्रीटेड बाई एक्सपोजिंग द इफेक्टेड पर्सन टू क्लीन एंड ऑक्सीजन। टॉक्सिसिटी जो कार्बन डाइऑक्साइड की, कैसे हम करते हैं, अगर वो क्लीन एनर्जी में कैसे उसको ट्रीट करेंगे, तो उसे क्लीन ऑक्सीजन में उसे रखा जाए तो वो रिवाइव कर जाएगा। द पर्टिकुलेट मैटर रिलीज फ्रॉम द पॉल्यूटेड एटमोसफेयर इज ऑफन फिल्टर ड्यूरिंग विच प्रोसेस? स्निचिंग। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर को पॉल्यूटेड एटमोसफेयर से कैसे फिल्टर? स्निचिंग के थ्रू। कॉमन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज वाटर। तो ये आपके 600 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, IQ गाइडर को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें और आपको बहुत सारे हमारे GK के टेस्ट भी चल रहे हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव GK की सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी अभी करा रहे हैं और 1000 लूशन के टॉप क्वेश्चंस भी हमने कराए हैं, उसे भी आप कर सकते हैं। और GK बूस्टर हम कराते हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करंट अफेयर में, कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं वो एरिया को भी उठाकर हम करते हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।